ये मूवी देखकर काफी ज्यादा रिलैक्स फील किया कि एक मूवी के अंदर कैसे जैसी चीजें होनी चाहिए उसके अंदर एंटरटेनमेंट है, साथ ही साथ उसके अंदर समाज की बुराइयों को, जात पात को लेकर वो चीजें हमारे सामने रखी जाती हैं, और जिस वे से इसके अंदर रखा गया बहुत कमाल का। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा सरपट्टा परमबारी मूवी के बारे में, जिसे अमेजोन के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। आई होप सो मैंने इसका नाम सही से लिया हो। तकरीबन 3 घंटे इसकी जो है वो लेंथ है, और जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तब से मैं इस मूवी को देखना चाह रहा था, बट एज यूज मेरे पास टाइम की इतनी ज्यादा कमी है कि 3 घंटे निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बट जब इस मूवी को देखने बैठा तो 3 घंटे कब बीत गए ये पता ही नहीं चला। देखिए एक मूवी की खूबसूरती क्या होती है कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक इतना ज्यादा आपके कनेक्ट हो जाए कि आपको टाइम का ही पता ना चले कि कब आपने इसको देखना शुरू किया और कब वो खत्म भी हो गई। तो 3 घंटे कब बीत जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता, यानी ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पा रंजीत जी ने, और इस मूवी में जैसे उन्होंने अपने वे से पॉलिटिक्स के और जो समाज के जो बुराइयां हैं या जो कमियां हैं उस चीज को बड़े ही चालाकी से, बड़े ही शानदार तरीके से हमारे सामने रखा है, वो काबिलियत तारीफ है। बेसिकली जो इस मूवी की स्टोरी है, इसमें दिखाया गया है कि 2 समुदाय हैं, येदियुरप्पा जो बॉक्सिंग के थ्रू काफी टाइम से यहां पर विनर बनता आ रहा है, और जो सरपट्टा समुदाय के जो बॉक्सिंग के कोच है, वो उनकी प्रबल इच्छा है कि वो एक जो है इनके खिलाफ जीते, क्योंकि वो पहले जीतते आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो येदियुरप्पा का टाइम आ गया है, उनके खिलाड़ी जीतते आ रहे हैं अब, लेकिन कोई भी ऐसा खिलाड़ी आ नहीं पा रहा है सरपट्टा समुदाय की तरफ से कि भी वो इनके येदियुरप्पा समुदाय के बॉक्सर को हरा पाए, लेकिन इनकी प्रबल इच्छा तो किसी बॉक्सर को ये लेकर आए और जिताएं अपने समुदाय को। और जो सरपट्टा समुदाय है जैसा इसके अंदर दिखाया गया, वो दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी जो सी स्थिति यहां पर दिखाई गई है कि वो कैसे रह रहे हैं, थोड़ी बहुत चीजें हमें इस मूवी के अंदर दिखाई जाती हैं कि जैसे उनका घर है वहां पर उनका रहना सहना, ये हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। और फिर यहां पर कैसे अपने ही समुदाय के लोग अपने ही लोगों को आगे बढ़ने से कैसे रोक रहे हैं, उसी में पॉलिटिक्स चल रही है, ये सब चीजें भी यहां पर दिखाई जाती हैं। एक तरीके से देखो तो हाँ, जो रियलिस्टिक है वो सब चीजें हमारे सामने आती हैं कि कैसे एक ही समुदाय में लोगों का आपस में वैर हो जाना कि ये नहीं जीतना चाहिए, मेरा ये भाई जीतना चाहिए या मेरा ये बेटा जीतना चाहिए, तो वो चीजें इसके अंदर आती हैं। और जो इस मूवी में जो टाइम दिखाया गया है वो इमरजेंसी का टाइम दिखाया गया, जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, और यहां पर बड़े ही चालाकी से कम्युनिज्म की विचारधारा यहां पर वो प्रस्तुत की गई है। और जो इस मूवी में मेन किरदार है समरा नाम का व्यक्ति है, फिर से कह रहा हूं कि मैंने शायद उनका नाम सही से लिया, समरा नाम का जो करेक्टर है तो वो सरपट्टा समुदाय से है। अब ये इस इंसान का बॉक्सिंग को लेकर काफी ज्यादा जुनून है, ये अपने समुदाय को जीतता हुआ देखना चाहता है, और इसने देख देख कर वो होता है ना द्रोणाचार्य को देखकर, एकलव्य ने बहुत सारी चीजें सीखी हुई थी, इस इंसान ने भी वैसा ही किया, अपने गुरु को देखकर इसने बहुत कुछ सीख रखा होता है, ये आप जब मूवी देखोगे तब आपको एहसास होगा। लेकिन समरा जो है वो अपनी मां से बहुत ज्यादा डरता है, अपनी मां के डर के कारण ये बॉक्सिंग में नहीं आ पाता। अब रीजन ये दिखाया गया कि जो समरा के जो पति और समरा के जो पिता हैं उनकी डेथ हो गई थी इसी बॉक्सिंग के चलते, क्योंकि वो गलत संगति में आ गए थे, गुंडे बन गए थे जैसा इसमें बताया जाता है। तो यहां पर उस डर के कारण इसकी मां बॉक्सिंग से इसको दूर रखती है, लेकिन समरा की किस्मत उसे रिंग में लेके ही जाती है। अब देखो यार, जो मूवीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर जहां पर एक व्यक्ति उठता है, ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यार ये व्यक्ति इस मैच में इसका क्या होने वाला है या फिर लास्ट में क्या होने वाला है। लेकिन मेन जो चीज आती है वो जर्नी की होती है कि उसने इंसान ने शुरुआत की और उस शुरुआत से उसने एंडिंग तक वो जर्नी कैसे जी, वो वाला जो इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है उसको देखने में काफी ज्यादा रिलैक्सिंग फील होता है, सेटिस्फेक्शन वहां मिलता है, जो बहुत बढ़िया तरीके से इस मूवी के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। एक खिलाड़ी का उदय होना, अपने किस्मत में मतलब अपने मेहनत से आगे आना, फिर अपनी उस मेहनत के ऊपर जब उसने जो हासिल की है गलत संगत में पड़ जाना, फिर उसका पतन होना, फिर वापस अपनी उन गलतियों को पहचानना और वापस अपनी गलतियों को पहचान कर अपनी जर्नी को जो मतलब वापस शुरू करना, तो ये सारी चीजें बड़ी ही खूबसूरती से इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। भले ही लास्ट में हम जानते हो कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन जो ये जर्नी है हमें इस मूवी में शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ बांध के रखती है। अब जो इस मूवी के अंदर जो करेक्टर है, एक डांसिंग रोज नाम का एक करेक्टर है, सच कहो वो वाला जो करेक्टर मैंने एनिमेटेड मूवीज, एनिमेटेड सीरीज या एनिमे सीरीज के अंदर मैंने देखा हुआ, जिस तरीके से उसका फाइटिंग स्टाइल है यार
कमाल का लगा मुझे, बहुत बेहतरीन लगा वहां पर, जिस तरीके से उसने पंच किए या फिर जैसे वो अपने पैरों के मूव कर रहा था, बहुत बढ़िया। और ये लास्ट में आप देखेंगे जो समरा के मूव है वो भी आप वहां पर देखने को मिलेगा, मुझे लगा कहीं ना कहीं समरा ने वो चीज उससे सीखे, बहुत बढ़िया तरीके से। और उसके ऊपर चार चांद लगाते हैं जो कैमरा वर्क उसके ऊपर किया गया है। और एक और करेक्टर है डैडी नाम का जो करेक्टर है, जिस तरीके से उसका बोलने का वे है वो मुझे बहुत प्यारा लगा है। और जिसमें मेन जो करेक्टर है समरा नाम का, तो आप उसको देखेंगे इस इंसान के अंदर गुरु बहुत ज्यादा है, अपने गुरु के लिए ये हर चीज करने को तैयार है, हर इंसान से भिड़ने को तैयार है। एक इसकी मां जिसने इसको बॉक्सिंग से दूर रखा कि कहीं ये गुंडा ना बन जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए, बावजूद इसके कि वो उस वहां पर जाता भी है, सॉरी स्पॉइलर आ रहे हैं, उस गलत संगत में जाता है और बहुत कुछ गलत हरकतें भी कर देता है, जैसा सोचा भी नहीं होता कि ये इंसान ऐसा चला जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे शुरुआत में समरा की जैसी स्थिति होती है, जैसा वो डिसिप्लिन यहां पर दिखाता है, जिस तरीके का इसका शरीर होता है शुरुआत में, लेकिन जब आप देखेंगे कि एक बार कामयाब होने के बाद जब पतन होता है तो किस तरीके का ये पतन होता हो रहा है, किस वे में ये चला गया है, कैसी कैसी संगति में पड़ गया है, कैसी कैसी चीजें करने लग गया है। और एक सीन तो ऐसा आता है कि वो तो मैं नहीं बताना चाहता, बहुत वो देखकर यार बहुत ज्यादा झटका लगता है कि यार इस इंसान ने ऐसा कर दिया। लेकिन इतनी बुराइयां होने के बावजूद इसके अंदर एक अच्छाई ये होती है कि अपने गुरु का बड़ा सम्मान करता है। जब ये फिर से अपने गुरु के सामने आता है तो जिस तरीके से अपने गुरु को इंप्रेस करना चाहता है, वापस उस जर्नी को ज्वाइन करता है, अपने पूरी ताकत लगा देता है वापस आने के लिए, तो बहुत बढ़िया वो चीज लगती है, बहुत अच्छे से वो चीजें रिप्रेजेंट की गई हैं। और जब ये मूवी का ट्रेलर आया था बॉक्सिंग के ऊपर था, तब ये तूफान मूवी मैंने देखी थी, मतलब हगी हुई तूफान मूवी देखी थी। अब जब इन दोनों मूवी को कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि दोनों ही बॉक्सिंग की थीम के ऊपर है, और जो तूफान हगी हुई तूफान मूवी है, मतलब उसमें जैसे धर्म को लेकर एकदम बकवास दखियानूसी चीजें दिखाई गई हैं। अब देखिए मैंने कहा था अगर आप एंटरटेनमेंट को अलग रखते हैं रिलीजियस से इन सब चीजों से तो काफी बेटर रहता है। अगर आपको दिखाना ही है तो एक प्रॉपर रिसर्च और एक बढ़िया वे में दिखाइए। आप अगर इन दोनों मूवी को देखते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा, देखिए दोनों ही मूवी बॉक्सिंग के ऊपर है, लेकिन मतलब वो शब्द मैं बताऊंगी यार, सरपट्टा परमवारी जो मूवी है वो एक मास्टरपीस है यार, इसके सामने तूफान मूवी कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी टिकती नहीं है। इतनी बकवास मूवी जो तूफान है और सरपट्टा परमवारी मूवी एक लेजेंड, एक मास्टरपीस है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 10 out of 10 स्टार यार, इतनी शानदार मूवी मुझे लगी। कहा ना जब इस मूवी को देखा तो रिलैक्स फील था, और जिस तरीके की इसकी ट्रेनिंग है, अरे यार मूवमेंट आप देखोगे, जैसी फाइटिंग इसके अंदर दिखाई गई है वो रियलिस्टिक लगती है, चीजें अच्छी लगती है। और जो इसके अंदर इमरजेंसी के टाइम को लेकर फुटेज डाली गई है, रियल फुटेज डाली गई है, वो इस मूवी को और ज्यादा रियलिस्टिक बना देती है। तो मुझे लगता है कि यार बॉलीवुड वालों को सच में अपने मानसिक विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो सीखें कि कैसे मूवी को डेवलप किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कैमरा वर्क होता है, कैसे स्टोरी टेलिंग होती है, वो सारी चीजें उनको सीखनी चाहिए साउथ से। और जो इसके अंदर गाने हैं सच में यार वो तमिल में है, लेकिन बावजूद के इसमें आप जब सुनना पसंद करेंगे यार, जिस वजह से उसको आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे लिरिक्स होते हैं, लिरिक्स तो वैसे समझ नहीं आते, बट वो सुनने में काफी अच्छे लगते हैं, आप उसको एंजॉय करोगे, बहुत बढ़िया है। और ये आप लोगों को इंग्लिश सबटाइटल में ही देखने को मिलेगी, हिंदी में डब नहीं है। बेशक मुझे अच्छा लगता है कि यार हिंदी में ना ही देखें, क्योंकि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा आप उससे रिलेट कर पाएंगे, उनके एक्सप्रेशन को, जो उनके भाव हैं, वो सारी चीजें आप वहां समझ पाएंगे। इंग्लिश सबटाइटल तो है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार इसमें हिंदी सबटाइटल भी देने चाहिए था, बट ठीक है इंग्लिश सबटाइटल से आप काम चला लेंगे। तो अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो जाकर देखो यार, बहुत बढ़िया मूवी है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।